हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टू इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू चेक योर इंग्लिश स्किल्स एंड वन मोर थिंग इज इफ़ यू आर न्यू ओवर है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजीली गेट नोटिफिकेशन वैन आई अपलोड अ वीडियो ऑन माई चैनल द फर्स्ट सेंटेंस इज रिटर्न मुझे जाना है मुझे जाना है आई खाली स्थान गो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैंव हैव टू हैज हैज़ टू विच इज करेक्ट The correct answer is have to. I have to go. उसने कुछ नहीं बताया. He didn't tell खालीस्थान anything, everything, nothing, something. Which is correct answer? The correct answer is anything. He didn't tell anything. उसने कुछ नहीं बताया. यह मेरी कार है. This is खालीस्थान car. Option आपके सामने दिए गए हैं mine. माई आवर मी दिस आंसर इज करेक्ट द करेक्ट आंसर इज माई दिस इज माई कार यह मेरी कार है अगला है मैं नदी में तैर रहा हूँ मैं नदी में तैर रहा हूँ आई एम स्विमिंग खालिस्थान द रिवर ऑप्शन दिया गया है इन इंटू एट ऑन कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से इन द रिवर इंटू द रिवर एट द रिवर ऑन द रिवर द करेक्ट आंसर इज into. हो सकता है आपने इन लगाया हो इन इसमें क्यों नहीं लगेगा क्योंकि आप नदी में तैर रहे हो तो उसमें आप मोशन कर रहे हो और किसी भी चीज़ में कहीं motion होते हुए मैं आए वहाँ पर इंटू का प्रयोग करते हैं आई एम स्विमिंग into द रिवर मैं नदी में तैर रहा हूँ चूँकि motion कर रहे हो ना आप गति कर रहे हो ना हिल रहे हो न तो वहाँ पर इंटू का प्रयोग किया जाएगा अगला है मैंने कुछ नहीं खाया आई डिड नाट ईट खाली स्थान नथिंग एवरीथिंग एनी थिंग समिंग कौन सा सही होना चाहिए द करेक्ट आंसर इज एनी थिंग मैंने कुछ नहीं खाया आई डिड नॉट ईट एनी थिंग इधर नथिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा ओके okay? अगला है वह गेट पर खड़ा है ही इज स्टैंडिंग खाली स्थान द गेट ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ऑन एट ओवर अपॉन कौन सा इसमें सही होना चाहिए द करेक्ट आंसर इज एट ही इज स्टैंडिंग एट द गेट वह गेट पर खड़ा है अगला है मैं छत पर हवा ले रहा हूँ मैं छत पर हवा ले रहा हूँ आई एम गेटिंग खाली खालिस्तान द टेरेस ऑप्शन आपके सामने है अप ओन अपॉन ओवर इसमें से कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से द करेक्ट आंसर इज अपॉन हो सकता है आपने ऑन चुना हो ऑन इसमें इसलिए नहीं लगेगा आप छत पर हवा ले रहे हो और आप मोशन कर रहे हो मोशन करके इधर उधर जा रहे हो तो वहाँ पर अपॉन ऑन का प्रयोग किया जाएगा और आप मोशन नहीं कर रहे एक जगह बैठे तो आप ऑन का भी प्रयोग कर सकते हो ओके okay? तो एज पर द सिचुएशन वी विल यूज़ द वर्ड्स आप मोशन कर रहे अप ऑन और मोशन नहीं कर रहे एक जगह आप बैठे हो तो ऑन ठीक जैसा इन टू और इन में होता है अब अगला है मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ आई एम गेटिंग खालिस्तान द ट्रेन ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इन ऑन अपॉन ओवर इसमें कौन सा आना चाहिए तो सही आंसर है ऑन आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन अब हो सकता है आपने इसमें इन लगाया हो तो इसमें इन क्यों नहीं लगेगा इसमें इन इसलिए नहीं लगेगा या आप ट्रेन में चढ़ रहे हो और आप किसी भी व्हीकल्स में चढ़ो इजीली तरीके से आप चढ़ जाओ उसमें मूव कर लो आपका सर है जो उस रूफ में ना छुए छत में ना टच करे और आप ऐसा चल फिर सको किसी भी व्हीकल्स में वहाँ पर ऑन का प्रयोग करोगे ओके और कार के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कार में आप ऐसा मूव नहीं कर सकते हो ना चल फिर के जा सकते हो यहाँ पर आप चल फिर के जा सको वहाँ पर ऑन का प्रयोग करोगे ओके तो आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ अब अगला है वह कॉल नहीं उठा रहा है वह कॉल नहीं उठा रहा है ही इज़ नॉट खाली स्थान द कॉल ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं पिकिंग अप रिसीविंग होल्डिंग गेटिंग कौन सा सही होना चाहिए तो सही आंसर है रिसीविंग ही इज नॉट रिसीविंग द कॉल ही इज़ नॉट रिसीविंग द कॉल हो सकता है आपने इसमें पिकिंग अप लगाया हो पिकिंग अप इसलिए नहीं आएगा कि उठाते ही फ़ोन थोड़ी उठ जाएगा वो रिसीव करेगे कॉल को आंसर करेंगे तभी उठेगा वो ओके okay? तो इसमें आंसरिंग भी यूज़ कर सकते हो ही इज़ नॉट आंसरिंग द कॉल और ही इज़ नॉट रिसीविंग द कॉल लेकिन पिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि वो उठा ऐसे उठाते नहीं है उसको कॉल को रिसीव किया जाता है आंसर किया जाता है ओके okay? अब अगला है आपके पास कितने पैसे हैं खाली स्थान मनी डू यू हैव ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं हाउ मच हाउ मनी हाउ आर हाउ इज आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए तो सही आंसर है हाउ मच हाउ मच मनी डू यू हैव आपके पास कितने पैसे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पैसा धन है जो कभी भी काउंटेबल कैटेगरी में नहीं रखा जाता है इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है तो हाउ मच मनी डू यू हैव आपके पास कितना पैसा है कितने पैसे हैं ओके मेरे पास पाँच सौ रुपये हैं आई खालिस्तान फाइव हंड्रेड रुपीज़ अब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैव टू है तो

आई डोंट वॉन्ट टेल एनी थिंग मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ नथिंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा अब अगला है मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ आई एम गोइंग स्थान दिस प्रॉब्लम ऑप्शन आपके सामने है फ्रॉम टू विद थ्रू आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए आई एम गोइंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू दिस प्रॉब्लम आई एम गोइंग विद दिस प्रॉब्लम आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम द करेक्ट आंसर इज थ्रू तो गाइज ये थी आज की वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय